हेलो स्टूडेंट्स, मैं रेखा चौहान, GWPC जोधपुर। आज हम हमारे EVS के टॉपिक एयर पोल्यूशन के अंतर्गत आने वाले ओजोन डिप्लीशन के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम जानेंगे कि ओजोन लेयर क्या है, ये कहाँ होती है, ये हमारे जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, मनुष्य किस प्रकार इसे प्रभावित कर रहा है। ओजोन परत O3 मॉलिक्यूल से बनी होती है, जो कि फ्री ऑक्सीजन के ऑक्सीजन अणु के साथ मिलने के द्वारा बनती है। वायुमंडल में ओजोन का निर्माण भी स्वयं पराबैंगनी किरणें ही करती हैं। यूवी रेज की उपस्थिति में ऑक्सीजन ओजोन में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार ओजोन सतत रूप से बनती रहती है और ओजोन मंडल में इकट्ठी होती रहती है। वायुमंडल में बनी ओजोन की परत सूर्य से आने वाली विनाशकारी पराबैंगनी विकिरणों को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकती है। जब पराबैंगनी किरणें ओजोन के अणुओं से टकराती है तो उन्हें दो भागों में विभाजित कर देती है। ये दोनों भाग तुरंत पुनः मिलकर ओजोन बना देते हैं और साथ में ऊष्मा उत्पन्न होती है। ओजोन परत पाई कहाँ जाती है? पृथ्वी के चारों ओर वायु का एक आवरण है, जिसे साधारण भाषा में वायुमंडल कहते हैं। यह वायुमंडल पृथ्वी की सतह से 1600 किलोमीटर तक अंतरिक्ष में फैला हुआ है, परंतु वायुमंडल के संपूर्ण द्रव्यमान का 99% 32 किलोमीटर की दूरी तक ही विद्यमान है। वायुमंडल में पाए जाने वाला समताप मंडल का मुख्य अवयव ओजोन गैस है, जिसकी परत समताप मंडल के भीतरी ओजोन मंडल का निर्माण करती है। पृथ्वी तल से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन मंडल की सघनता अधिकतम रहती है और फिर उसके ऊपर कम होती चली जाती है। समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में उपस्थित ओजोन लेयर UVC व UVB किरणों को रोक देता है, अतः हम सूर्य की घातक किरणों से बचते हैं तथा पृथ्वी पर ताप का संतुलन बना रहता है। ओजोन लेयर हमारे जीवन के लिए क्या महत्व रखता है? सूर्य की किरणें धरती को गर्मी प्रदान करती है। इन किरणों में यूवी रेडिएशंस भी होते हैं, जो जीवन के लिए आवश्यक हैं, किंतु यह हानिकारक प्रभाव भी उत्पन्न करते हैं। यह देखा गया है कि कई मानवीय गतिविधियों से ओजोन की मात्रा घट रही है, जिससे कई हानिकारक प्रभाव उत्पन्न हो रहे हैं, जैसे कि ओजोन परत के कम होने से पराबैंगनी किरणें पृथ्वी तल तक पहुंच रही हैं और उसकी क्रिया के परिणाम स्वरूप त्वचा के कैंसर बढ़ रहे हैं। एक अध्ययन के अनुसार 1% ओजोन की मात्रा में कमी से 2% पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर अधिक पहुँच रही हैं। पराबैंगनी किरणों से आनुवांशिक लक्षणों में भी परिवर्तन होते जा रहे हैं। पेड़ पौधों की प्रकाश संश्लेषण दर में भी कमी आ जाती है, उनकी वृद्धि रुक जाती है। ओजोन अपक्षय से पृथ्वी के जलवायु में भी परिवर्तन आ रहे हैं। ताप में वृद्धि हो रही है और ताप बढ़ने से ध्रुवीय बर्फ पिघल रही है। इससे ये डर है कि समतल भाग जलमग्न हो जाएंगे। मानव द्वारा प्रयुक्त क्लोरोफ्लोरोकार्बन हेलोकार्बन्स ऊपर वायुमंडल में जाकर ओजोन परत का क्षरण कर रहे हैं। इनका प्रयोग हम फायर एक्सटिंग्विशर, ड्राई क्लीनिंग, फोम निर्माण, एयर कंडीशनर्स, फ्रिज आदि में करते हैं। सुपरसोनिक प्लेन्स द्वारा उत्पन्न नाइट्रिक ऑक्साइड भी ओजोन परत का क्षरण करती है। यह चित्र धरती पर ओजोन परत की घटती सांद्रता, जो कि एंटार्क्टिका के ऊपर एक होल बना रही है, को दर्शा रहा है। वैज्ञानिकों द्वारा यह पाया गया है कि मानव की कई गतिविधियों की वजह से ओजोन की परत एंटार्क्टिका क्षेत्र के ऊपर से पतली पड़ रही है, जो कि मानव के लिए एक खतरे की घंटी है।
ओजोन के मानव के लिए महत्व को देखते हुए ओजोन परत की सुरक्षा हेतु हमें उन गतिविधियों को रोकना होगा जिसके कारण ओजोन अपक्षय होता है। ओजोन परत को तीव्र गति से नष्ट करने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन रसायनों के नियंत्रण पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। छोटे छोटे प्रयासों के बाद एक बड़ा प्रयास 87 के मॉन्ट्रियल में हुआ जिसमें 24 देशों ने एक संधि पर हस्ताक्षर किए जिसके अनुसार CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का निर्माण घटाकर 50% करने का लक्ष्य रखा गया। इसके साथ ही ऐसे रसायनों की खोज की कार्य प्रारंभ किया गया जो CFC के स्थान पे यूज लिए जा सकें तथा ऐसे संयंत्र बनाए गए जिसमें CFC की खपत कम हो। यह प्रयत्न किए जा रहे हैं कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग पूर्ण रूप से बंद किया जा सके। धन्यवाद।